नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मॉब अटैक चर्चेज इन ईस्टर्न पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की हालत जो है वो देखो क्या ही कहा जाए पाकिस्तान के बारे में। ओके, यहाँ आतंकवाद है, ठीक ना, यहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, पता नहीं है किसकी सरकार है, क्या मिलिट्री चलाता है या फिर यहाँ पर सच में कोई गवर्नमेंट है। ओके, जो गवर्नमेंट में रहता है वही अपने मिलिट्री के खिलाफ बोलता है, हम लोगों ने इमरान खान को भी देखा था और अब बाहर निकल के भी देख ही रहे हैं। ओके, और उसके ऊपर जो रिलीजन का तड़का है ना, रिलीजन का तड़का है वो इस देश को मतलब राक्षसों का देश बना देता है। समझ में आ रहा है? ये धर्म के नाम पर जो यहाँ पर होता है तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि जो हिंदू का पॉपुलेशन था यहाँ पर, जो कि कभी 15% 17% हुआ करता था, आज 1% और 1.2% में ही रह गया है। ओके, आज़ादी से पहले की बात हम कर रहे हैं। और इसका मेन कारण यही है कि ये इस्लामिक लॉ के ऊपर चलता है, जिसमें कि ये सिंपली माना जाता है, हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं, चाहे कोई इस्लाम धर्म अपनाया है, चाहे हिंदू है, क्रिश्चियन है, सब कोई को संविधान ने इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का जो कानून है वो सिंपली कहता है कि स्टेट शुड वर्क, ठीक है, टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि स्टेट ही स्पॉन्सर कर रहा है कि आप क्या करिए, इस्लाम को और फैलाइए। इसके वजह से क्या होता है, जो भी लोग दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं उनको फ़ायदा नहीं होता है, और वो क्या करते हैं, चाहे तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे या फिर वो अपना धर्म का परिवर्तन कर लेंगे। और ऐसा डेलिब्रेटली किया जाता है, ये हम लोगों ने पूरे अपने इतिहास में देखा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम, चाहे हिंदू है चाहे क्रिश्चियन है, वो सब झेल रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से देखो एक और चीज़ होता है ना, भीड़ का कोई सोच नहीं होता है। भीड़ इतना परेशान है कि उन्हें बस एक मुद्दा दे दो कि उसने कुछ कहा है, ओके, इस धर्म के बारे में, और उसके बाद फिर पूरा मॉब जो होता है वो अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है और पूरी तरह से जो ईस्टर्न पाकिस्तान का रीजन है वहाँ पर क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियनों को तुम्हारे घर जला दिए जा रहे हैं, यू कैन सी आउट हियर किस तरह से चर्च तोड़े जा रहे हैं, हंड्रेड ऑफ पीपल आर्म्ड विद स्टिक एंड रॉक हैव वैंडलाइज अ क्रिश्चियन डिस्ट्रिक्ट, पूरा डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पर तबाह किया जा रहा है। क्योंकि ये ईस्टर्न पाकिस्तान का अगर रीजन देखोगे ना, देन यू कैन सी आउट हियर, ये 2017 का सेंसस से देखा गया है कि टोटल पॉपुलेशन 1.27% है, और अगर टॉप 5% में देखा जाए तो लाहौर डिवीज़न में, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। सो ये जो रीज़न है, क्रिश्चियन रहते हैं, तो ये जो रीज़न है वहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन अच्छी खासी है। अब दो लोगों ने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ कह दिया, इसके वजह से पूरा इस जो क्रिश्चियनिटी की कम्युनिटी है उसी को अगर जला दोगे तो ये तो कोई तुम्हारा कानून व्यवस्था है नहीं। अगर तुम्हारे पास कानून व्यवस्था है तो इट मीन्स दैट कि जिसने किया है वो काम उसके अगेंस्ट काम करो, उसको तुम जेल भेजो। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लास्फेमी लॉ है वो ये भी अधिकार देता है कि आप उसको फांसी पर लटका दो, उसको जान से मार दो। लेकिन वो अगर होगा, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है सही है, पॉइंट मेरा सिंपल है कि अगर वो होगा तो स्टेट की तरफ से होगा, कानून व्यवस्था की तरफ से होगा। समझ में आ रहा है? वो कानून ही वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर जो पीपल अपने हाथ में क्या कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर लेके जो आम इंसानों को मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, इससे सिंपल समझ में आ रहा है कि उनकी प्रवृत्ति क्या है। गॉट इट ना? ये बात समझ में आया? यहाँ पर भी ये मुद्दा उठा था नूपुर शर्मा वाला केस में, लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन था वो सशक्त था और उसने क्या किया, उन लोगों को जो अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लेना चाहते थे उनको बहुत ही आसानी से शांत कराया। और जो कानूनी प्रक्रिया है आप कानूनी प्रक्रिया से काम करिए। यहाँ पर मैं देखो तुम्हें समझा रहा हूँ, भारत में कोई ब्लास्फेमी के खिलाफ कोई पर्टिकुलर कानून नहीं है, लेकिन जो हमारे आईपीसी की सेक्शन 295 है आई थिंक, उसके तहत क्या है कि ये मनाही है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ, उसमें इस्लाम हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मतलब क्रिश्चियन हो, किसी के भी खिलाफ आप क्या कर सकते हो, कुछ दुष्प्रचार नहीं कर सकते हो। गॉट इट ना? अगर करोगे तो इस सेक्शन के तहत तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 3 साल तक की सजा भी है, फाइन भी है। ओके,
तो भारत में कानून है, उस कानून में अगर वो सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने वो गलती की है तो उनको वो सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर वो पूरा वीडियो तुम देखोगे नुपुर शर्मा वाला, उसमें तुम्हें क्या दिखाई देगा कि एक ने कुछ बोला तो दूसरे ने कुछ बोला, तो ये क्या है, वाद विवाद वाली पॉइंट यहाँ पर उठ जाती है। आई डोंट नो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस इतना पता है कि दो लड़कों ने कुछ इस्लाम के खिलाफ बोला जिसके अगेंस्ट में पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या कर रही है, आग झेल रही है। क्योंकि यू कैन सी आउट हियर क्या हो रहा है, ये देखो किस तरह से पूरे सबको के घर तोड़े जा रहे हैं, आग जला दिया जा रहा है, चर्च जलाया जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, ठीक है। और देखो ये बहुत अच्छा तरीका है घरों को लूटने का, ये बहुत अच्छा तरीका है कि एक्यूज कर दो और उसके बाद फिर उनके घर घुसो, पैसा चुराओ और जो वहां पर महिलाएं हैं रेप करो, ठीक है। ये बस स्टार्ट हो जाता है फिर यहां से। दे एक्यूज टू क्रिश्चियन रेसिडेंट ऑफ ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का उनके ऊपर एक्यूजिशन है, और एक्यूजिशन है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रहा है? सबसे पहले पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर आप ही का कानून है, इस्लामिक रूल है, आप क्यों नहीं उन दोनों को अरेस्ट कर रहे हैं? और उसके बाद फिर दो के वजह से ये सारे लोग झेल रहे हैं, ये तो लग रहा है कि सुनियोजित ढंग से ये किया जा रहा है। तुम दो लोग को धर नहीं पा रहे हो और उसके वजह से पूरा लाहौर जलेगा, ठीक ना। तो ये है सच्चाई तुम्हारा पाकिस्तान का। सम क्रिश्चियन फ्लीड देयर होम टू एस्केप द मॉब, अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं। अब यहाँ से मैं दूसरा पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ। अब मान लो वहाँ पर जलेगा सब, हाँ, एक लार्जर पॉपुलेशन, तो कहाँ भाग के आएगा, बगल में कौन है? अब इंडिया में अगर लार्जर पॉपुलेशन इंटर करने लगेगा पंजाब के तरफ से तो क्या होगा, हाँ, क्या हालत है अभी हमारा देश का, क्या हम लोग इतना लार्जर पॉपुलेशन को संभाल पाएंगे? यही चीज़ तो हो रहा है, बांग्लादेश से बांग्लादेशी भाग के आ रहे हैं। पूरा तुम्हारा मैं एक देख रहा था शाहीन बाग का, उसमें क्या देख रहा है, सब बांग्लादेशी, बांग्लादेशी के सब बांग्लादेशी हैं वहाँ पर भरे हुए। ये बांग्लादेश है तो बनवाया कहला था, म्यांमार से भी रोहिंग्या घुस चुके हैं, हाँ, तो मतलब ये क्या है, मतलब रेफ्यूजी कैंप है भारत, हाँ, हम रेफ्यूज देते रहेंगे सब को। पॉइंट यही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा तो हमारा पंजाब जो है वो अफेक्ट, हमारा जो तुम्हारा नॉर्दर्न इंडिया है वो अफेक्ट होगा। इंटर करवाना है बस, आराम से दिल्ली पहुँच जाना है, ठीक ना। अब जो भी यहाँ पर हैं उन्हें अपने हकों के लिए लड़ना खुद सीखना होगा। भारत क्या कर सकता है इंटरनेशनल फोरम में, ये पॉइंट उठा सकता है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ क्या हो रहा है, यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिश्चियन अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं तो घर में रहेगा, ऐसे आग लगा रहा है तो। द अटैक ड्रू नेशन वाइड कंडेमनेशन फ्रॉम द टॉप लीडर, टॉप लीडर कंडेम कर रहे हैं, कंडेम करने से क्या होगा, तुम्हारे हाथ में पावर नहीं है। देखो क्या कर रहे हैं कि स्टॉप, ना तेरा पाकिस्तान ना मेरा पाकिस्तान, ये सिर्फ मुसलमानों का पाकिस्तान है, ठीक है, इस तरह के पोस्टर्स लेकर के वो चल रहे हैं। एज वेल एज फ्रॉम मेंबर ऑफ क्रिश्चियन ग्रुप गैदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मत मारो हम लोगों को, ठीक है, ये पाकिस्तान हमारा भी है, स्टॉप वायलेंस, क्या बोल रही हैं ये। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम सच इंसिडेंट हैव हैपेंड, मुझे पता है ये बात, मैं इसके ऊपर बहुत पढ़ते रहता हूँ। और अगर तुम अच्छे से पाकिस्तान का अगर न्यूज़ तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के गलीच लोग हैं ये लोग, समझ में आ रहा है, एक नंबर के बेशरम हैं। बस इन्हें क्या चाहिए, एक तो बीबीसी का रिपोर्टिंग बहुत अच्छा था, उसमें सिंपली बताता है कि जब पाकिस्तान जीतता है तो खुशी में हिंदू लड़की उठा लो, और जब पाकिस्तान हारता है तो खुशी में हिंदू लड़की उठा लो। वो वहाँ का ही रेसिडेंट का एक तुम्हारा स्टेटमेंट है, गॉट इट ना। सो इस तरह का जो न्यूज आता है वो कोई नया नहीं है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी आज बोल रही है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सच इंसिडेंट हैव हैपेंड, ये हमेशा होते रहता है, ये सब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान नाउ, दे अकर फ्रिक्वेंटली, ये हमेशा लगातार होते रहता है। देखो किस तरह से आग लगा दिया है, ओके, वी हैव ऑलवेज, टुडे वी गैदर टू अर्ज पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट, कोई नहीं प्रोटेक्ट करेगा, जो करने वाला है वही पार्टी का कोई ना कोई मेंबर ही होगा, क्योंकि अगर वो पार्टी का मेंबर नहीं होगा तो तुम्हें वोट कहाँ से मिलेगा। ये 4% 1.2% वोट से तुम्हारा क्या कहते हैं पाकिस्तान में सरकार बनेगी, नहीं ना, उसके लिए तो मुस्लिम का पॉपुलेशन चाहिए। मुस्लिम को अगर तुम्हें अपने पास करना है तो क्रिश्चियन और हिंदू को मारना पड़ेगा, ये बात समझ में आया, ओके। फॉर द लव ऑफ गॉड प्रोवाइड जस्टिस टू आवर कम्युनिटी, कुछ नहीं मिलने वाला है, एंड इंश्योर आवर राइट टू लाइफ,
ब्लास्फेमी इज पनिशेबल बाय डेथ इन पाकिस्तान, दिस इज गुड, ठीक है, आपका कानून है कि आप ब्लास्फेमी कोई कर रहा है इस्लाम धर्म के खिलाफ, अगर कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसको सजा देंगे, बट एंड मिसयूज ऑफ दिस लॉ, इस कानून का गलत इस्तेमाल, कुछ दिन पहले ही आया था एक न्यूज़ कि श्रीलंका का एक आदमी पाकिस्तान में काम कर रहा था, उसके ऊपर ये ब्लास्फेमी का, उसने जो मुझे पता है, आई डोंट रिमेम्बर, थोड़ा दिन हो गया है, पोस्टर छपा हुआ था, उस पोस्टर में कुछ लिखा हुआ था उर्दू में, ठीक है, ही डिडंट नो दैट, वो पोस्टर फाड़ दिया, उसके ऊपर ब्लास्फेमी लगा दिया पोस्टर फाड़ने के लिए कि ये इस्लाम को फाड़ रहा है, इस्लाम के खिलाफ है, वो सिन्हेली बुद्धिस्ट था, उसको जला दिया कि मार के काट के फेंक दिया, समझ में आया, ये है स्थिति। पहला तो मुझे ये लग रहा है तुम गधा है कि तुम क्या कहते हैं श्रीलंका से पाकिस्तान काम करने गया है, इससे अच्छा हिंद महासागर में डूब के मर जाता, वहां कौन जाता है, पाकिस्तान कोई काम करने का जगह है, दिस इज द पॉइंट। सोचो श्रीलंका का क्या हालत होगा कि साला पाकिस्तान जाना पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। भारत में क्या है, वहां पर तो ब्लास्फेमी लॉ का है डेथ का सेंटेंस, भारत में क्या है 295 है, सेक्शन 295 है, इसमें लिखा हुआ है इंज्यूरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर तुम वर्शिप के प्लेसेस को क्या करोगे, इंज्योर करोगे या फिर उसको खिलाफ कुछ बोलोगे, ठीक है, विथ इंटेंट टू इंसल्ट, अगर आपका इंटेंट है कि वो उसको गलत दिखाना है, गंदा बोलना है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, 3 साल तक की सजा होगी, ठीक ना। अगर एक्सट्रीम है, मान लो कि आपके बोलने से दंगा भड़क गया, तो और ज़्यादा आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, ठीक ना। तो स्पेसिफिकली कोई ब्लास्फेमी का रूल नहीं है, पर क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है, हम सिंपली एक धर्म के लिए कानून नहीं बना सकते, हर एक धर्म के लिए यही है कि तुम नहीं बोलोगे, लेकिन क्या कोई रुकते हैं, हमें दिखाई पड़ता है, ठीक ना, कि हिंदू धर्म के जितने सभी देवी देवताएं हैं उनके बारे में क्या क्या लोग कहते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इतना इंटॉलरेंस नहीं है कि सारे मस्जिदें तोड़ने लगें और सारे तुम्हारे गिरजाघर तोड़ने लगें, यहाँ पर कानून का राज है, कोई ऐसा बोलता है तुरंत पुलिस उठा के ले जाता है, समझ में आ रहा है। अगर उसने वो काम किया है तो, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, जब फेसबुक का पोस्ट ये सब रहता है उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई कर देती है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है, ये तो है ही हमारे संविधान में, हमारा आर्टिकल जो 19 है वो इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसके साथ साथ उसका जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो भी हमें रोकता है कुछ ना कुछ इस तरह के बयान देने से, जिससे कि क्या हो, दंगा भड़के, ठीक है, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो, जैसे राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम आर्टिकल 19 दे रहा है कि तुमको जो बोलना है बोलो, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं बोलो जिससे कि राष्ट्र की एकता और अखंडता जो है वो मुसीबत में पड़ जाए, ऐसा कुछ मत बोलो, समझ में आया। पहला सिंपल पॉइंट है कि हर एक धर्म बराबर है, हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करो, ओके, तुम किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो, ठीक, जो जैसा कर रहा है वैसा करने दो, तुम्हें क्या आग लगी पड़ी है, ओके, दिस इज द पॉइंट। बट वी हैव दिस आईपीसी सेक्शन 295 एंड आर्टिकल 19 जो कि हमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ भी गलत करने से, हमारे देश में कानून है। अब यहाँ देखते हैं, नो वन हैज़ एवर बीन एग्जीक्यूटेड फॉर इट, आज तक कोई किसी को नहीं एग्जीक्यूट किया गया है, क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, सरकार द्वारा नहीं किया गया है, लोग ही कर देते हैं, लोग ही जला देते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, तो सरकार की जरूरत क्या है वहाँ पर, बोले ना स्टेटलेस तुम्हारा ये है कंट्री है, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सारे चोर बैठे हुए हैं, देयर वन गोल इज टू करप्ट दिस कंट्री, कहाँ से पैसा निकले, एकमात्र गोल है कि कहाँ से पैसा निकले, चाहे वो तुम्हारा वहाँ के पॉलिटिशियन है, सारे पॉलिटिशियन के जो बच्चे हैं वो लंदन में हैं, सारे जितने मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके यूरोप में भरे पड़े हैं, अमेरिका नहीं, यूरोप, यूरोप में कहाँ, यूरोप में मेडिटेरेनियन सी के बीचेस के बगल में बड़े बड़े बंगले हैं इन सारे, जितने सारे भी तुम्हारे जनरल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ब्रिगेडियर हैं, सारे पाकिस्तान, सब चोर है, लूट लूट के वहाँ जा रहा है। एक समय आएगा कि सिर्फ यहाँ पर क्या बचेंगे, गधे बचेंगे, क्योंकि गधा ही ये एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, गधे बचेंगे, गधे रूल करेंगे गधों के ऊपर, वाह, और न्यूक्लियर हथियार भी इनके ऊपर रहेगा, समझ में आ रहा है, देखो क्या होता है। बट देयर हैव बीन केसेस ऑफ एंग्री क्राउड लिंचिंग एक्यूज्ड इंडिविजुअल, एंग्री क्राउड ने लिंच किया है, जान से मार दिया है जो एक्यूज्ड है उनको, गॉट इट ना। सो अपील तो यही रहेगा कि स्टॉप वायलेंस, वायलेंस को बंद किया जाए,
लेकिन वायलेंस बंद होगा नहीं क्योंकि वहाँ पर कोई स्टेट नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट कोई नहीं है, ठीक ना। जिसको जो मन करता है वही करता है। कुछ दिन पहले देखे थे ना कि मॉब ने एक कर्नल के घर के ही अंदर घुस करके उसका खाना वाना लेके भाग रहे थे। क्या लेके आया तुम? अंडा लेके आए हैं हम, और एक कौन सब्जी लेके आए हैं हम। क्या दरिद्रता है। ओके, इसलिए ये लोग आज़ाद हुए थे हम लोगों से एक दिन पहले, ठीक ना। ठीक है, हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि हमारा आप पार्ट बने, ठीक ना। बिना लोगों के अगर पार्ट बने बड़ा अच्छा रहेगा, कहीं चले जाओ, कहीं बगल में अरेबियन सी है, बेहतर रहेगा, ठीक ना। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ये जो कंट्री है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, और अगर इन लोगों को बचना है, क्रिश्चियन और हिंदू को, तो उन्हें दूसरा ठिकाना ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि इंडिया नहीं है तुम्हारा ठिकाना, यहाँ पर 10 पहले से प्रॉब्लम है। तुम लड़ना सीखो, भारत मदद करेगा। तुम लड़ो, वहीं पर रह के लड़ो, तुम सशक्त हो, भारत कहीं ना कहीं से मदद जरूर करेगा, ठीक है। और नहीं तो लास्ट में भारत भी क्या दयालु है, तुम लोगों को मार ही डालेगा तो भारत अपना खोलेगा ही रास्ता, या क्या कर सकता है। नहीं तो फिर उसके टाइप फिर करेगा, इंदिरा गांधी के टाइप, या अगर ज़्यादा घुसेगा तो फिर भारत हमला करेगा। भारत भी डरता थोड़ी ना है, न्यूक्लियर है तो कि तुम एक मारोगे हम सब मार दिए तुम ख़त्म हो जाओगे। साफ साफ अटल बिहारी वाजपेयी का दो टुक जवाब था, तुम हमला करके देख लो, सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे, ठीक ना। तो जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा वैसा भारत का रिस्पॉन्स होगा, ठीक ना। ये पुराना वाला भारत नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत और मिलिट्री रूप से तो फाड़ के रख देगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग।